प्रिय छात्रों, आज हम हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा का दूसरी इकाई का 9वां पाठ जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं इस पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के लेखक है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी और इस पाठ की विधा है साक्षात्कार। विद्यार्थी मित्रों, साक्षात्कार एक ऐसी विधा होती है कि जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का साक्षात्कार लेता है, यानी इंटरव्यू यानी मुलाकात लेना। साक्षात्कार लेखन विधा का एक महत्वपूर्ण ऐसा अंग माना जाता है। साक्षात्कार में प्रश्न उत्तर के माध्यम से किसी व्यक्ति से साक्षात्कारकर्ता उनके जीवन कार्य एवं विविध पक्षों के बारे में समुचित जानकारी प्राप्त करता है। साक्षात्कार में व्यक्ति के बारे में हर प्रकार की जानकारी, आईने में दिखाई देने वाली तस्वीर की भांति वह झलकने लगती है। आइए हम अब पाठ का आरंभ करते हैं, लेकिन उसके पहले हम लेखक का परिचय देखेंगे। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी का जन्म उत्तर प्रदेश के देवरिया में 1941 में हुआ। वे हिंदी जगत के जाने माने यानी प्रसिद्ध ऐसे एक लेखक, एक संपादक, एक कवि, एक आलोचक भी वह है। वे देश, काल और वातावरण के प्रति सजग और संवेदनशील रचनाकार है। अब हम विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी की कुछ कृतियाँ पाठ में दी हुई है वह हम देखेंगे, फिर कुछ रह जाएगा। यह उनका कविता संग्रह प्रसिद्ध है। अंतहीन आकाश, यह उनका यात्रा वर्णन है। अज्ञेय पत्रावली, यह उनका एक निबंध प्रसिद्ध है। अस्ति और भवती, यह उनकी आत्मकथा है। उसके साथ साथ बातचीत, यह साक्षात्कार संग्रह है। आदि रचनाएं उन्होंने लिखी हुई है। अब हम गद्य संबंधी देखेंगे। प्रस्तुत साक्षात्कार में यानी इंटरव्यू में विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी जाने माने प्रसिद्ध लेखक अमृतलाल नागर जी से तत्कालीन यानी उस समय के सामाजिक, राजनीति, परिस्थितियों, लेखकों आदि के बारे में प्रश्न पूछते हैं।